सो डियर स्टूडेंट वेलकम टू माय क्लास। हम न्यूमेरिकल्स की प्लेलिस्ट या न्यूमेरिकल्स की जो सीरीज है जो मोर कॉन्सेप्ट के बेस पे न्यूमेरिकल्स है उसी में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जिससे कि हमें ये बेहतर तरीके से समझ में आए कि मोर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने इसे सब्सक्राइब किया हो वो रेगुलरली इसको वॉच करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो अब हम जिस क्वेश्चन को लेंगे वो ये क्वेश्चन कहता है कि अगर सपोज करिए हमारे पास 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है और उसमें से हमने 10^21 मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए हैं तो हमारे पास कितने मोल्स ऑफ CO2 बच जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे को निकालना पड़ेगा वो ये निकालना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। तो ये हमारा सबसे पहले एसेंशियल चीज है। उसके बाद हम ये देखेंगे 200 mg दैट मीन्स 0.2 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.2 ग्राम्स निकालना पड़ेगा। फिर 10^21 मॉलिक्यूल्स बराबर हाउ मैनी मोल्स होंगे वो निकालना पड़ेगा। फिर उन दोनों का डिफरेंस देख के हम बता सकेंगे कि कितने मोल्स CO2 के बचे। तो इसको सॉल्व करते हैं तो मास ऑफ कार्बन बराबर 12, मास ऑफ ऑक्सीजन बराबर 16। तो जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इक्वल टू 12 प्लस 16 × 2 बराबर 44 ग्राम। अब हम फार्मूला यूज करेंगे जो नंबर रूल 1 के हिसाब से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हमारे को दिया हुआ 200 mg है तो 200 को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 0.2 हो जाएगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल चुके हैं 44। तो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो हमें ये पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स इन 0.2 ग्राम ब्रैकेट में 200 mg CO2 ये यही चीज हो गई। इसको हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.00454। कैलकुलेट करके ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें ये चीज क्लियर है कि एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रो नंबर्स में। तो मॉलिक्यूल्स आर इन 1 मोलर ग्राम
ऑफ सीओ टू या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स आर इन 44 ग्राम सीओ टू। या हम इसे ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सीओ टू। हमें दोनों चीज की बाद में जरूरत पड़ेगी, तो अभी हम 1 मोल ऑफ सीओ टू को कंसीडर करेंगे। तो 1 मॉलिक्यूल बराबर 1 मोल अपॉन 6.022 इंटू 23 मोल्स। एक मॉलिक्यूल का जो मोल्स बनेंगे वो ये बन जाएंगे, तो 10.21 मॉलिक्यूल्स बराबर 10 की पावर 21 अपॉन ये मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये 10 की पावर 2 रह जाएगा, तो 1 अपॉन 6.022 नीचे 10 की पावर 2 रह जाएगा ये सिंप्लीफिकेशन के बाद, और इसका आंसर आएगा 0.00166 मोल्स। तो 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स बराबर 0.00166 मोल्स हो गए, और 0.2 ग्राम CO2 बराबर 0.000454 हो गया। ये 0.00454 है और ये 0.00166 है। तो मोल्स लेफ्ट जो हमें निकालना है वो हो गया 0.00454 माइनस 0.0166। इसको अगर हम निकालेंगे ये मोल्स आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। और ये हमारा एक न्यूमेरिकल इस तरह से हम देख के सॉल्व करते हैं। तो अगले सेशन में हम अपना एक अगला न्यूमेरिकल लेंगे, अभी तो ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।